हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और समय समय पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकारों द्वारा बताए गए सुझावों का पालन कर रहे होंगे। और ये बहुत आवश्यक है हमारी सुरक्षा के लिए कि हम सरकारों द्वारा जो भी सुझाव दिए गए हैं उनका पालन करें और एक ज़िम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य हम निभाएं। स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड पेपर सेकंड इम्यूनोलॉजी जहां से हमने शनिवार को ख़त्म किया था वहीं से हम शुरू करेंगे। आज हम एंटीबॉडीज़ के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आपने सुना होगा कि दिल्ली में सरकार द्वारा एक प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई है कोरोना वायरस के पेशेंट के बचाव के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ ही होते हैं और उसके साथ प्रोटीन कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं जो वायरस से हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। उन्हीं डिफरेंट एंटीबॉडीज़ के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन ए इन द ब्लड। IgA आर प्रेजेंट इन लो लेवल इन मोनोमेरिक फॉर्म। हमारे रक्त में IgA की मात्रा कम होती है और मोनोमेरिक फॉर्म में होती है, लेकिन यह IgA म्यूकोसल सरफेस, जो भी श्लेष्म सतह होती है, उन सतह पर मोस्ट एक्टिव होती है और डाइमेरिक फॉर्म में पाई जाती है। और श्लेष्म सतह पर सुरक्षा का कार्य इम्यूनोग्लोबुलिन ए द्वारा किया जाता है। इट्स मेजर फंक्शन इज़ टू एक्ट एज न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। इसका मुख्य कार्य एंटीबॉडीज़ को न्यूट्रलाइजिंग करने का भी होता है। IgA या इम्यूनोग्लोबुलिन ए अधिक मात्रा में लार में, आंसुओं में तथा ब्रेस्ट मिल्क, माता के दूध में उपस्थित होती है। ये दो टाइप की होती है, IgA1 और IgA2। IgA1 85% होती है। दूसरी एंटीबॉडी IgM, यह एंटीबॉडी जब भी हमारे शरीर पर इन्फेक्शन होता है सबसे पहले रेस्पॉन्स करने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन IgM होती है। इट इज़ आल्सो द फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास टू बी सिंथेसाइज्ड बाय द नियोनेट। शिशुओं में सबसे पहले जिस इम्यूनोग्लोबुलिन का संश्लेषण होता है या बनती है वो IgM होती है। यह पेंटामेरिक फॉर्म में होती है और पेंटामेरिक फॉर्म में होने के कारण मल्टीपल बाइंडिंग साइट्स होती है। इसमें 10 बाइंडिंग साइट्स होती है जो एंटीजन्स को बांधने का कार्य करती है। तीसरे प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन IgG होती है और जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस इज़ द मोस्ट एबंडेंट क्लास ऑफ एंटीबॉडीज़ इन द ब्लड। ब्लड में सबसे ज़्यादा 80% इम्यूनोग्लोबुलिन जी होती है और यह चार प्रकार की होती है। IgG1 सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, G2 उससे कम, G3 उससे कम और G4 सबसे कम मात्रा में होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन जी आर केपेबल ऑफ एक्साइटिंग द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एंटर टिश्यूज। टिश्यू में भी सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से यह टिश्यू में एंटर कर सकती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन जी कैन आल्सो बाइंड टू नेचुरल किलर सेल्स एंड पार्टिसिपेट इन एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी के लिए कार्य भी करती हैं, नेचुरल किलर सेल से अटैच होकर के।
IgD. It is a monomeric antibody with two epitope binding site. IgD में दो epitope binding sites होती हैं. It act as antigen receptor required for B cell activation. B cells के activation के लिए antigen receptor का कार्य करती है. IgD is also reported to bind a basophil and mast cell and activate them to produce antimicrobial factors. पांचवी प्रकार की IgE. This group of antibodies is effective at mucosal surface, blood and tissues. Most IgE is tightly bound to its receptor on mast cell and basophil via the Fc region. IgE hypersensitivity होने पर सबसे पहले और सबसे अधिक रिएक्शन को करती हैं और यह एलर्जी के समय सबसे ज़्यादा मात्रा में इसका उत्पादन होता है और एलर्जी के रिएक्शंस के लिए ये जिम्मेदार होती हैं. IgE का हाफ लाइफ लगभग 2 दिन होता है और प्यारे बच्चों ये सोर्स है जो इन स्लाइड्स को बनाने के लिए मैंने लिए हैं. तो इस प्रकार से आज हमने एंटीबॉडीज़ कितने टाइप्स की होती है उनके बारे में अध्ययन किया है. ये सारे एंटीबॉडीज़ हमें वायरस से सुरक्षा प्रदान करती है और